पेड़ों में कितना सारा घड़ी। यहाँ पे ना लड़कियों को लेडीजों को अंदर जाना मना है। ये है उज्जैन से 25 किलोमीटर के दूर में है। पेड़ वाला जो का यहाँ पे जो रिवाज चल रहा है ये घड़ी वाला, ये कब से है? ये तो बहुत साल से है, बहुत साल से। डे में 500 के आसपास यहाँ पे पब्लिक आ रही है। मैं भी करंट में भी चल रहा यही टाइमिंग है। कितना ऊपर तक ऐसे मतलब पूरे पेड़ों में कितना सारा घड़ी। बाप रे, करीबन कम से कम है ना 3,500 होगा। हजार और इधर भी रखा हुआ, इधर भी। यहाँ पे ना लड़कियों को लेडीजों को अंदर जाना मना है क्योंकि हनुमान जी है। तो हमारे में 2 जेंट्स है, तो उसमें से गणेशु गया है अंदर। ये देखो, अब वही जाके पूजा करेगा। और हम लोग ना ये जो गैलरी है, डिवाइडर है, वहाँ के बाहर से करेंगे पूजा। खूब सारा घड़ी है, खूब सारा। इसमें सिगरेट चढ़ाते हैं, सिगरेट यहाँ पर चढ़ाते हैं। हाँ। तो हाँ, चढ़ाने दो ना, तो चढ़ाने दो। वो चढ़ा रहे हैं। हाँ मैं देखा जब पूरी तरह चढ़ाते हैं। हाँ हाँ तो गाइस, हम आए हैं यहाँ पे घड़ी वाले बाबा का मंदिर है। यहाँ पे पूरे पेड़ों में देख सकते हैं आप, पूरे घड़ियां लगी हैं। और ये मन्नत वाली घड़ियां हैं, मतलब जिनका मन्नत रहता है वो यहाँ पे अपना घड़ी लगाते हैं। तो ये है उज्जैन से 25 किलोमीटर के दूर में है। तो इसके बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है, तो गांव गांव वाले थोड़ा पूछ लेते हैं क्या है यहाँ पे इसके बारे में। हाँ तो गाइस, ये गांव वाले हैं इस गांव में। गांव का नाम क्या है? बोलो गुजारे संग अंकल, नाम बताइए अपना। अपना नाम बता दीजिए, बताइए। शर्मा या नहीं? कैलाश। कैलाश, तो सर आप बताइए कि गांव का नाम क्या है? बुगड़े सांगा। ये उज्जैन से कितने दूर में है? 35 किलोमीटर। तो ये जो पेड़ वाला जो का यहाँ पे जो रिवाज चल रहा है ये घड़ी वाला, ये कब से है? ये तो बहुत साल से है, बहुत साल से है। ये जो घड़ी वाली बात है, हाँ, ये 3-4 साल से चल रही है। 3-4 साल चल रही है। और ये जो सरगज महाराज है, हाँ, ये तो अच्छा, जो यहाँ पे जो महाराज जी बैठे हैं, एक हनुमान जी का फोटो है और जो सरगस महाराज बोलते हैं, सरगस महाराज। तो गाइस ये लोग बता रहे हैं सरगस महाराज है यहाँ पे। तू ने का ये घड़ी वाले बाबा का ये मंदिर, घड़ी वाला बाबा का महाराज। जो भी मंगत अंदर से मानते हैं, कोई नहीं है, दूसरा पंडित अंकित नहीं है। हाँ। जो भी बोलेगी कि भैया हमको ये काम योजना, घड़ी वाला बाबा अपनी मनोकामना रखते हैं यहाँ पे, तो फिर आके। और ऐसा कुछ तो नहीं है कि टाइमिंग दे कि इतने दिन में हमारा मन्नत पूरी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जैसे अभी तो मन्नत रख के जाएंगे। हाँ। मन्नत कंप्लीट होने के बाद में घड़ी होने को बाद में फिर घड़ी नायल अगरबत्ती फूल ला के चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं। ओके। तो ये अंदाजा कितने दिन में तक हो जाता होगा लोगों का? जैसे कुछ भी आप तो आइडिया होगा, इसी गांव में रहते हैं तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं कहवाएगा। ऐसे कैसे कह सकेंगे? वो तो गॉड के ऊपर है। अब ये तो ये भगवान ये हमको थोड़ी कहते हैं क्या? आजा कुछ रूल नहीं होता मन्नत का। मेरी बात सुनो। हाँ। आप ये मान करे अपने ने। हाँ, मन्नत रख दिया। मान लो 8 दिन में होगी। हेलो। हाँ। साल भर में होगी, 6 महीना में होगी, आपको थोड़ी क्या आएगा? हाँ, उसके ऊपर नहीं। अभी एक वो आदमी आया था इंदौर वाले, उसके बोने बनी के जो मारे 2 महीना में मेरा काम हो गया, 2 महीना कम्प्लीट हो गया उसके वो बाल बच्चे उसको बेच दिया। अब इनकी पत्नी रही, कल आया वो
वो एक बार पहले आए उसको केस चलिया था, वो केस भी खत्म हो गया। ओके हाँ, 2 महीना भी नहीं हुआ उसको। तो आप देखे होंगे गांव में रोज कितनी गाड़ी आती है, कितने आते हैं श्रद्धालु लोग, फिर भी आइडिया कुछ? रोज 1500 रोज 1500 आते हैं यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे इतना फेमस हो गया है मंदिर यहाँ पे बाबा जी का, गाड़ी वाले बाबा का, कि पर डे में 500 के आसपास यहाँ पे पब्लिक आ रही है। ऐसा मतलब इतना फेमस हो गया, और देख पा रहे हैं इतनी सारी घड़ियां लगी पूरे इसमें। हाँ गाँव वाले, तो ये जो अंकल जैसे ये ऊपर ऊपर कौन 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 बांधते हैं ये? अरे ये तो बनता रहेगा, इन्होंने कहीं नाम लो समझे, ये तो चलता रहेगा। बहुत सारे बांधे, 3-4-5 जने बांधे। अच्छा अच्छा, ये सब जमीन जाया इनका हड़प्पा की। अच्छा इन्हीं का। तो पुजारी जो कौन है? पुजारी कहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये इनका है, इन्हीं का है जो भी है। पंचे झंडे भी कुछ भी नहीं, सेवा करो, आपके अंदर से बैठो और बोल दो हमारे अंदर ही, हमारे कहना की जरूरत नहीं है कि भैया हमारे डोकरो भाई काम हो जाए, सरगन बाप जी घड़ी छोड़ूंगा। ठीक है, थैंक यू। दूसरी तो कोई बात है कौन यहाँ, पंडित तो ये कौन है कि वह कल फिर आ जाओ तुम? हाँ नहीं तो ये तो होना ही चाहिए, कोई ना कोई तो होना चाहिए, नहीं तो फिर अपनी मर्जी से फिर करने लग जाएंगे। रोज चले अभी भी रोज पब्लिक। इस वाले को ऐसे बांधने के लिए अभी तैयार किए क्या? हाँ ये तैयार की, ये टांगने के लिए, वही साइड में भी एक है। तो गाइस ये है बैक साइड में है ये, और यहाँ पे देख पा रहे हैं घड़ियां रनिंग कंडीशन में है, घड़ियां चल रही है। ये वाला ये देखिए, सारी घड़ियां चल रही है, कुछ कुछ होंगे जो घड़ी बंद होंगे, लेकिन अधिकतर घड़ियां सारी चालू कंडीशन में है। ये देखो ये अभी ओरिजिनल टाइम है। हाँ ये करेक्ट टाइम है, अभी करंट में अभी चल रहा यही टाइमिंग है। कितना ऊपर तक ऐसे, मतलब जो बर्ड का जो जड़ है ना, वही जटा उसी में पूरा बंधा हुआ। हाँ मतलब ये बरगद पेड़ का जो लटे आई है ना उसी में। हाँ। और बहुत सारी यहाँ पे घड़ी जैसे जो, और देखो जिसमें जटा नहीं है ना उसको संकल से बांधे, ये देखो। हाँ वैसा संकल में एक रेडी पड़ा हुआ है नीचे, वहाँ पे रखा हुआ है संकल। और यहाँ पे देखो गणपति, देखो कभी देखे हो आप लोग दुकान में ऐसा घड़ी? गणपति घड़ी दिखा रहे हैं। तो हे घड़ी वाले बाबा, हमारी भी इच्छा पूरी कर दो। तो और जिनकी जिनकी भी यहाँ पे मनोकामना है वो बेशक आ सकते हैं यहाँ पे। और आसपास पूरे खेत है, कुछ घर नहीं है, कुछ घर नहीं है यहाँ पे। मैं सुनी हूँ, और रोड पे ही है। इस बाबा का कहानी सुनी हूँ मैं, ये उनको सपना दिया था बाबा को कि यहाँ मेरा पूजा करो, मैं यहाँ बैठा हूँ करके, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। मगर वो रोज आते थे और ऐसे हल्का बैठ के चले जाते थे। अब उनका धीरे 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 हर काम बनते गया ना, तो वो बैठने लगे, और बैठने लगने के बाद में वो पूजा पाठ करना शुरू किए, और उनके बाद उनका गवर्नमेंट ड्यूटी लग गया। वो यहाँ से कंटिन्यू रेगुलर उज्जैन जाते थे, उनका ड्यूटी उज्जैन, वो वहां से आना जाना करते थे, और तब भी वो आते आना नहीं छोड़े। अब उसके बाद में फिर धीरे धीरे लोगों का प्रचार हुआ, और ये घड़ी बंधना ना 2017 में स्टार्ट हुआ। और उधर देखो हमारे यहाँ मम्मी मंदिर के सामने को झाड़ू लगा रही है, क्योंकि यहाँ पे घर वगैरह नहीं है, ना पुजारी है ना घर है, जो भी सेवा करना है दर्शनार्थी भर के हिसाब से। और देखो हम लोग है थोड़ा की यहाँ बारिश हुई है रात में, तो देखिए चप्पल